दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ लैपटॉप में उंगली करना। नो, उंगली करना नहीं दोस्तों, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। उंगली नहीं, फिंगर्स का टच कैसे करना है वो आज हम सीखने वाले। यानी कि हम लैपटॉप में जो टच पैड रहता है जनरली सिंगल फिंगर टच ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि डबल फिंगर टच से क्या होता है, ट्रिपल फिंगर टच से क्या होता है, फोर फिंगर टच से, या इनसे ड्रैग करने से क्या क्या फंक्शंस एप्लीकेशंस लैपटॉप में चलते हैं आज की वीडियो में सीखने वाले। तो चलिए सीखते हैं लैपटॉप में उंगली करना। अगर आपको पता नहीं है और आप यूज कर रहे हैं विंडोज 10 और आपके पास है लैपटॉप और आपको टच पैड का बिल्कुल यूज नहीं आता है तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। अगर आता है तो कोई बात नहीं, स्किप कीजिए, मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ, सीधी सी बात बोल देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैं हूँ सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों बहुत सारे लोग लैपटॉप यूज करते हैं और विंडोज 10 भी रहता है उनके पास, लेकिन ज्यादातर लोग सिंगल फिंगर यूज करके लैपटॉप को ऑपरेट करते हैं और नीचे जो बटन दिए रहते हैं राइट क्लिक वगैरह प्रेस करने के लिए उसे यूज करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप वन टच करते हैं, मतलब सिंगल फिंगर से टच करते हो, तो माउस पॉइंटर मूव होता है और फोल्डर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं सिंगल टच से। लेकिन आप यहाँ पे अगर टू फिंगर से टच करते हैं, टू फिंगर से अगर आप टच करते हो तो राइट क्लिक हो जाता है दोस्तों, आपको नीचे का राइट क्लिक का बटन उसके लिए प्रेस करने की जरूरत नहीं है। तो आज से आगे मैं उम्मीद करता हूँ आप टू फिंगर से यूज करेंगे राइट क्लिक लाने के लिए। आगे मैं आपको बताऊंगा कि अगर थ्री टच आप लैपटॉप पे करते हैं तो थ्री फिंगर से टच करते हैं तो यहाँ पे आपको कॉर्टाना मिलता है दोस्तों। कॉर्टाना तो पता है विंडोज 10 में हेल्प के लिए यूज होता है, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह आप यहां से सर्च कर सकते हैं। तो थ्री टच कीजिए और कॉर्टाना ओपन कीजिए, दैट्स इट, ये थ्री टच से होता है दोस्तों। तो आगे मैं आपको बताऊं कि फोर फिंगर आप टच करते हैं लैपटॉप के टच पैड पे तो आपको राइट साइड में नोटिफिकेशन का आइकॉन ओपन दिखाई देता है। तो ये नोटिफिकेशन आइकॉन लाना है तो आपको फोर टच करना है दोस्तों, सिंपल है, बस फोर टच से यहां पे और राइट साइड का आइकॉन आता है, उन्हीं फोर टच से ये फिर से गायब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से ये वन फिंगर टच, टू फिंगर टच, थ्री फिंगर टच और फोर फिंगर टच आपको करना है। उम्मीद करता हूं आप इसका यूज करेंगे। फाइव फिंगर टच मत कीजिए क्योंकि फाइव फिंगर के लिए यहाँ पे कोई सेंसर नहीं है, फोर फिंगर टच तक यहाँ पे सेंसर अवेलेबल रहता है। तो मैं आगे आपको बताऊं कि ये तो टच का हो गया, लेकिन अगर आप माउस पॉइंटर सिंगल फिंगर से आप अप एंड डाउन करते या लेफ्ट एंड राइट करते तो माउस पॉइंटर मूव होता है, लेकिन अगर आप टू फिंगर से करते हैं तो कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप टू फिंगर से इस तरह से ऊपर लेके जाते हो माउस पॉइंटर को और नीचे लेके आते हो तो क्या होता है, इस तरह से अगर नीचे ऊपर करते हो तो ये पेज स्क्रोल होता है, या लेफ्ट और राइट करोगे तो राइट लेफ्ट पेज स्क्रोल होता है। तो टू फिंगर टच करके आप अगर लेफ्ट राइट मूव करोगे और अप एंड डाउन मूव करोगे तो स्क्रोलिंग हो जाता है, ये शायद आपको पता नहीं होगा, उम्मीद करता हूँ, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। लेकिन थ्री फिंगर का टच भी देख लो यहाँ पे क्या होता है। तो अगर आप थ्री फिंगर टच करके ऊपर की तरफ ड्रैग करते हो तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके डेस्कटॉप के जितने भी एप्लीकेशन है वो ऐसे मिनिमाइज होकर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही में आपको न्यू डेस्कटॉप करके राइट साइड में बॉटम में एक ऑप्शन आता है, यहाँ से आप नया डेस्कटॉप लेके वहां पे भी कुछ एप्लीकेशन ओपन करके रख सकते हैं। तभी इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका अलग अलग बेनिफिट कर सकते हैं। सपोज आप गेम्स खेल रहे हो और अचानक आपके रूम में पेरेंट्स एंट्री करते हैं तो आपको तुरंत सब मिनिमाइज करना पड़ता है, मिनिमाइज करेंगे तो वो नीचे टास्क बार पे दिखाई देता है। तो ऐसे में आप करेंगे क्या, तुरंत आप विंडोज टैब बटन प्रेस करेंगे और दूसरे डेस्कटॉप में स्विच हो जाएंगे। जितने डेस्कटॉप आप ऐड करते हो यहाँ पे उतने डेस्कटॉप आप ऐड कर सकते हैं, अलग अलग डेस्कटॉप पे अलग अलग एप्लीकेशंस यहाँ पे रन होंगे। लेकिन आप अगर दूसरे डेस्कटॉप में स्विच होंगे जहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं हो रहा है तो आपके डेस्कटॉप पे कुछ भी रन नहीं हो रहा है, ऐसे उनको दिखाई देगा। ये काफी कमाल की चीज है। अब मैं जज नहीं करूंगा कि आप इसका यूज किसके लिए कर रहे हो, आप गेम खेलते समय इसे यूज करो या किसी और के टाइम पे यूज करो, लेकिन ये काफी कमाल की चीज है विंडोज 10 के अंदर। साथ ही आप इस थ्री फिंगर से लेफ्ट और राइट मूव करते हो तो इन एप्लीकेशन के बीच में आप स्विच हो सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है मैं लेफ्ट और राइट मूव कर रहा हूं, तो ये एप्लीकेशन के बीच में स्विच होने के लिए काफी कमाल की चीज है। तो ये थ्री फिंगर का टच आप यूज करके देखेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे कि आपने इसका यूज कर लिया है। तो चलिए अभी आपको मैं फोर फिंगर टच का भी बता देता हूं। फोर फिंगर टच करके लेफ्ट राइट अगर आप मूव करते हो तो यहां पे आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन इस तरह से ड्रैग हो जाती है बस। तो ये इस तरह से होता है फोर फिंगर टच से दोस्तों। तो सिंगल फिंगर टच को जनरली सबको आता है, मैंने आपको बताया टू फिंगर टच से क्या होता है, थ्री फिंगर टच से क्या होता है और फोर फिंगर टच से क्या होता है। आज से आप इसका यूज करना चालू करेंगे। ये तो एक संडे का ट्रिक्स जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया कि अगर आप लैपटॉप यूजर और अगर आप विंडोज 10 यूज करते हो तो ये सभी टच पैड के सेंसर्स को आपको यूज करना ही चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आप सबको ये पसंद आया होगा और आपने लाइक बटन पे जरूर क्लिक किया होगा। तो मैंने आज आपको पढ़ाया है क्या, लैपटॉप में उंगली कैसे करना। तो चलिए मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, लेकिन आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट भी लिखिए मुझे कैसे लगा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, सीखते रहो सिखाते रहो, बाय बाय।